आइए थोड़ी देर के लिए हम सच्चित आनंद की ओर लौट चलें, अपने स्वभाव की ओर लौट चलें, सुरति का दिया जलाएं, सेल्फ रिमेम्बरेंस में अपनी स्मृति में लौट चलें, जो विस्मृत हुआ है उसे पुनः याद कर लाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित होता है। बहुत स्वाभाविक रूप में रहना, देखने की कोशिश न करना, अपनी ओर से कोई कल्पना भी नहीं करना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट। नॉन डूअर होकर के भीतर की डूइंग्स को देखते रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के जागे जागे रहना। जो भी तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है, जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है, आप उसी को देखते रहना। अंधेरा ही क्यों ना हो, अंधेरों से ही रास्ता पटता है। अंधेरे बता रहे हैं कहीं ना कहीं प्रकाश भी है, बिना प्रकाश के अंधेरा नहीं होता। अंधेरे इंडिकेट करते हैं भीतर कहीं प्रकाश भी है। आप लगातार हर स्थिति का अनुभव लेना, करना कुछ नहीं, जागे जागे रहना। अपनी ओर उन्मुख रहना, जागे जागे बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में, मन के स्वभाव में बार बार खो जाना, लॉस्ट हो जाना, आइडेंटिफिकेशन हो जाना, ये सब आदतें अपने आप टूटती चली जाती हैं। आप अपने स्वभाव में, अपनी सुरति में, अपनी रिमेम्बरेंस में रहना। करना कुछ नहीं, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। वो चाहे कितना यूजलेस है, कितना भी अननेसेसरी है, कितना भी गैर जरूरी है, सब जो जो उठ रहा है विदा होगा, उठते ही विसर्जित होता चला जाएगा। गैर जरूरी विचारों का विसर्जन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक, अति आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल है अपने आप को स्वस्थ सुखद बनाए रखने के लिए। बहुत सुखपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण रहने के लिए अपना भीतर का आंगन साफ सुथरा, अपना अंतःकरण साफ सुथरा रखना। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माइंड के साथ लगती ही हम डुअलिस्टिक स्टेट में उतर जाती हैं, डुअलिटी के शिकार हो जाती हैं। पॉजिटिव पहलों बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव वर्क करता है, नेगेटिव पहलों उसे बिगाड़ के रख देता है। मेडिटेशन है एकमात्र मेडिसिन इस नेगेटिव माइंड की, बढ़ावा देती है पॉजिटिविटी को।
जाके जाके रहना, अब अभी में रहना, अब अभी में, प्रेजेंट मोमेंट्स में। जब जब तुम जागते हो तुम वर्तमान में होते हो, जब जब तुम अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में लौटते हो, अपने स्वभाव में होते हो, तुम विराट होते हो, तुम वर्तमान में होते हो, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, तुम अपनी रियल रेजिडेंस पर होते हो। तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, जोर जबरदस्ती नहीं देखना, कोई कोशिश नहीं करना देखने में, कोई प्रयास कोई यत्न नहीं करना देखने में, सहज सरल साधारण होकर के निरंतर अपनी ओर जागी रहना। आप देख ही रहे हैं स्वाभाविक रूप में, बाहर से भीतर की ओर थोड़ा सा क्या टर्न किया कि जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। जीवन की यात्रा प्रारंभ हो गया, अपनी और उसी तरह जागे रहना जैसे बाहर की ओर जागते हो। अपना खेल, अपनी फिल्म, अपनी कहानी स्वयं देखना। बाहर के टेलीविजन पर तुम दूसरों का देखते हो, माइंड के टेलीविजन पर तुम अपना देखते हो। देखने में कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई दुविधा नहीं, अगर तुम्हें जरा सा भी रुचिकर है, जरा सा भी टेस्टफुल है, जरा सा भी प्यास दर दीवानगी का टच है, थोड़ी प्रायोरिटी भीतर की ओर प्रवाहित करके अपने अंधेरे विदा करने का चाव है, प्यास है, तो देखना बहुत टेस्टफुल हो जाता है, बहुत रुचिकर हो जाता है। देखना भीतर की सफाई है, जागना। भीतर का सुधार है, इंप्रूवमेंट है, रिफॉर्म है, रिडेम्पशन है। मैं और मेरा यार दोनों इस बस्ती में बसते हैं, एक ही बॉडी में, इस बस्ती में बसते हैं। किस्मत की क्या खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। ढूंढना, खोजना, जागना, एकमात्र मिलन की घड़ी को संभव करता चला जाता है। ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस एक्सपैंड होती जाए, डेवलप होता जाए, डिस्टेंस विचारों से, माइंड से थोड़ा डेवलप होता जाए, अपना सुरती जागरण। अधिक से अधिक डूबना अपनी प्यास लगन उत्कंठा में, भाव दशा में डूबते चले जाना, भगवत्ता डिविनिटी का आलम पिरोना, खूब उस विराट के लिए।
उतरने देना। बहुत रुदन उतरा इस संसार के लिए, किंतु सब रुल गया। थोड़ा उसके लिए भी घर प्यास उठे तो रोम रोम आनंद से भरपूर हो जाएगा। ओंकार आमीन एमन। गुरुदेव मेरे जीवन को ज्योतिर्मय कर दो, जन्मों से उठी इस प्यास को इस बार तृप्त कर दो, इस बीर तृप्त कर दो। गुरुदेव मेरे जीवन को ज्योतिर्मय कर दो, हो जीवन से गहरा जीवन, हो रोशन से और भी रोशन, हो जीवन से गहरा जीवन, हो रोशन से और भी रोशन। तन मन के इस जड़ दीपक को, तन मन के इस जड़ दीपक को चेतन से भर दो, गुरुदेव मेरे जीवन को ज्योतिर्मय कर दो। अरु साँझ सवेरे, रैन दिवस अरु साँझ सवेरे, बसे रहो हृदय में मेरे, बसे रहो हृदय में मेरे। हृदय की वीणा के तारों को, हृदय की वीणा के तारों को तुम झंकृत कर दो, गुरुदेव मेरे जीवन को
यही एक प्यास दर्द दीवानगी का हाल हूं। तेरे द्वार पर अलख जगाता है, तेरे द्वार पे दस्तक देता है। गर तूने अवसर दिया है इस जन्म के रूप में, तो आविष्कार का भी। अस्तित्व का भी दर्द उठाए रखना, दीवानगी दिए रखना, लगन लगाए रखना। अब ये प्यास बुझने न पाए, अब ये प्यास तृप्त भी ना होने पाए, मैं तृप्ति नहीं चाहता, तृप्ति नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहता, तृप्ति नहीं, तृप्त नहीं होना मुझको, बस प्यास ही प्यास बरसती रहे। मुझे अनुभव हो गया है कि प्यास ही परमात्मा है, तू केवल प्यास में बसता है, तू केवल अश्कों में रहता है। जहां जहां सागर उमड़ते हैं तो महासागर बह करके आता है, तो उसी एकमात्र रिश्ते में उतरता है। तो पिघलता है तो तरल सरल होता है, तो कठोर नहीं रहता। ओ विराट, तो करुणाजनक हो जाता है, एक प्यास तुझको रिझा पाती है। ऐसा मिला समंदर, वाहरे नरेन, तेरे जैसे दीवाने प्यासे क्या कहते हैं। ऐसा मिला समंदर, ऐसा ऐसा मिला समंदर, कछु और प्यासा कर गया, कछु और प्यासा कर गया। ऐसा मिला समंदर, ओ मुर्शीद, तू स्वयं जगमगाता महासमुद्र महासागर है, तू स्वयं प्यासा है, तभी प्यास उठती है दूसरों में, तू स्वयं प्यासा है। अपनी प्यास छिपाए रखने के लिए दूसरों को प्यास में उतारता रहता है, दूसरों को पुकारता रहता है प्यास उड़ेल करके। क्या गजब है तेरी प्यास, ओ अंशी, ओ मालिक, ओ विराट। ऐसा मिला समंदर, ऐसा मिला समंदर, कुछ और प्यासा कर गया, कुछ और प्यासा कर गया। हर मरहमी चारा कर, चारागर जख्मों को गहरा कर गया, जख्मों को गहरा कर गया। दिल के
जख्मों को और भी गहरा कर, क्या प्यास जगाई तूने और फिर तू विदा हो गया। तो चल दिया, बिछोड़ा डाल गया, तुझे जरा तरस ना आया। तुझे जरा दया ना आई, कितना कठोर होकर कीचल दिया। क्या रुलाना सताना जलाना तेरा धर्म है? क्या यही तेरी करुणा है? सता ले जला ले रुला ले जितना तेरा दिल चाहे, परंतु एक पुकार उठाए चले जाएंगे हम, तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। और कोई किसी प्रकार का ध्येय लक्ष्य हमारा कदाचित नहीं तो ही हमारी मंजिल है। हर हर मर हमें चारा कर, हर मर हमें चारा कर, जख्मों को गहरा कर गया। जख्मों को गहरा कर गया, ऐसा मिला समंदर, ऐसा मिला समंदर। केवल प्यास दर्द दीवानगी का आलम उसके द्वार पर दस्तक देता है, उसको रेस्टलेस बना देता है, उसको बेचैन बना देता है। ये तड़पन ये तरसन ये एक बार विरहागन उसके बिना जिया नहीं जाता, उसके बिना रहा नहीं जाता। हौल पड़ता है, बहुत दीवाने आते हैं स्वामी जी, हौल पड़ता है। रहा नहीं जाता, दिल करता उसी समय उड़ करके तेरे द्वार चले आए। वो उड़ान भी तो भरी नहीं जाती, ऐसे पंख अभी तूने लगाए नहीं। बहुत दर्द उठता है, बहुत हौल पड़ता है, बहुत पीड़ा उठती है। तुझ बिन रहा नहीं जाता, ये कैसी प्यास है, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा दर्द है मुर्शीद। क्या तेरे में भी उठता है? क्या हमारे लिए
तो भी तरसता है क्या? ये होल क्या तुझे भी पड़ता है? जरा देख तो सही। ऐसा मिला समंदर कछु और प्यासा कर गया। कुछ और प्यासा कर गया। हर मरा हामी चारा गर हर मरा हामी चारा गर जख्मों को गहरा कर गया। जख्मों को गहरा जख्मों को गहरा कर गया कर गया। ऐसा मिला समंदर